आदरणीय सभापति महोदय, आपने शून्य काल में मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, बिहार राज्य में पिछले कुछ महीनों से हो रहे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अत्याचार जैसे गंभीर मामलों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। समूचे बिहार की जनता डरी और सहमी हुई है, न जाने कब किसकी हत्या हो जाए, किसके साथ लूटपाट हो जाए, किस बच्चे का अपहरण हो जाए, किसी ने कुछ पता भी नहीं है। भय का माहौल बना है, व्याप्त हो रहा है। रात्रि 8 बजे से हो या दिन हो, किसी को घर से निकलना सुरक्षित नहीं है। 1990 से लेकर 2005 तक शासन काल में जो हुआ करता था, आज कमोबेश वही हो रहा है। 2 दिसंबर 2022 को गृह जिला पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज अपराधियों द्वारा नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन ऑनरेबल मेंबर्स आई कैन अप्रिशिएट पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज के अपराधियों के द्वारा नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन एक होटल संचालक बेतिया के सूरज बैठा की हत्या जिले में हो गई। 7 दिसंबर को दिन दहाड़े SBI बैंक को लूट हो गई। भागलपुर में सरेआम महिलाओं को टांगी के से काट काट के, कुल्हाड़ी से काट काट के मार दिया गया। आज जंगल राज पार्ट 2 पे बिहार चल पड़ा है। अतः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं सत्याग्रह की धरती चंपारण से आता हूं और उस पवित्र धरती को बिहार की महागठबंधन की सरकार आज जो कलंकित करने की काम कर रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। बिहार की सरकार हमारी बातें सुनेगी नहीं और इस सदन में बात रखेंगे नहीं, आखिर कहां रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पे पहल करके इस समस्या का निदान किया जाए। धन्यवाद।